जिसका उद्घाटन ICAR के महानिदेशक श्री एस अयप्पन द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने इस तकनीक की भूरी भूरी प्रशंसा की। पिछले 5-10 साल में जो क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा था लेकिन अभी बिल्कुल महसूस होना लग रहा है। उसके बाद में जो पिछले एक साल में भी हम जो देखे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का, यो फ्रास्ट कभी देखे नहीं थे हम पहले, अभी हेल स्टॉर्म तो पहले बार इस बार देखा है। और इस बार ये पिछले 3 महीने में हम देख रहे हैं यो जो अकालिक बारिश हो रहा है। सो ये सभी चीज़ों में सब लोग चिंतित हैं, वो किसान हो वैज्ञानिक, किस तरह ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को हवामान परिवर्तन में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेडिक्टेड वेरिएशंस हो रहा है, ये सब देखने में क्या करेंगे आगे में। यही हर सवाल हर जगह मुझे यही पूछा जाता है। इस परिवेश में जो आज हम आज आके देखे डॉक्टर चड्डा साहब के मार्गदर्शन में जो इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी यहाँ दिल्ली के इतने नज़दीक में जब भी बात हुआ सुबह से, ये ऐसा एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम सुने थे, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर एडेड एग्रीकल्चर। और एक चीज़ बात हो रहा है आजकल, डिज़ाइनर प्लांट्स, कंप्यूटर एडेड एग्रीकल्चर। कई बार अमेरिका से लोग आके हमको लेक्चर्स देते हैं, पूरा सेंसर लगा के अब पानी, न्यूट्रिएंट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ आप कंट्रोल कर पाते हैं। ये सब हम सुने थे, कुछ पढ़े भी थे, लेकिन आज पहले बार मैं ये बताना चाहूँगा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, पॉली हाउस, ये सब हम देखे हैं। लेकिन ये नया जो